बैन सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वजराए तालीम ने सितंबर के पहले हफ्ते सख्त एसओपीज के साथ तालीमी इदारे खोलने पर इत्तफाक किया है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैन सूबाई वजराए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वजराए तालीम शरीक हुए। इस दौरान मुल्क में स्कूल एजुकेशन समेत तालीम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। कॉन्फ्रेंस में वजराए तालीम ने इत्तफाक किया कि तालीमी इदारे खोलने से कबल कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हतमी मंजूरी जुमेरात को NCOC से ली जाएगी। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तहान लेने की भी इजाजत होगी। तालीमी कॉन्फ्रेंस में सितम्बर से कबल दो मजीद इजलास बुलाने का फैसला भी किया गया। याद रहे कि इससे कबल वजीरे तालीम पंजाब मुराद रास ने तालीमी इदारे अगस्त में खोलने से मुतालिक बयान दिया था। ताहम बैन सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में मजीद एक माह आगे बढ़ाते हुए तालीमी इदारे सितंबर में खोलने का मौकफ सामने आया है।